हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। मैं हूं रेहान, दिस इज फैजान। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं रबीका के व्लॉग पर जो कि उन्होंने बनाया है मिनाल खान की शादी पर। तो देखते हैं, हियर वी गो। काफी सेलिब्रिटीज से मुलाकात हुई होगी इनकी वहां पर। पार्लर में रेडी होना तो बनता है यार, सेलिब्रिटी की शादी में जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि मैं जाने वाली हूँ मिनाल खान की शादी में, बट उससे पहले मुझे अपने बाल ठीक करवाने थे, बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे थे, और एक एक्रेलिक्स टेन करवाने थे, वो भी अपनी फेवरेट डिम्पी से। तो इसलिए मैं सारा सलोन गई और मैंने ये सारी सर्विसेज ली। तो इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा कि मैंने क्या क्या तैयारियाँ की। नेल पॉलिश, hey guys, finally मेरे बाल मुझे वापस मिल गए हैं, वो भी इनकी वजह से और सारे सैलून की वजह से। तो आप बताइए मेरे बाल कैसे हो रहे हैं? एक्चुअली इनके बाल ऑफिस से बाद इनका लाइफ स्टाइल तो आप सब भी जानते हैं, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा डैमेज और हीट की वजह से काफी ज्यादा जो है ना ओवर प्रोसेस हो रहे थे। बट नाउ हम लोगों ने जो इनका ट्रीटमेंट किया वो इनका जो है हमने डैमेजिंग पर ज़्यादा फोकस किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहे थे, और ड्राइनेस ऑब्वियस बात है, और हेयर फॉल वेदर की वजह से जो हो रहा है उस पर काम किया है ना। आई होप इनको बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लगे, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छे मेरे बाल लग रहे हैं और एक बहुत ही अच्छा सा लुक निकल के आ गया। तो थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू सारा सैलून। क्यूट वाला। क्या होगा, पेंट है, फोटोग्राफ है, फोटो फ्रेम। वाह, इस पर भी हुसैन का। ये मेरी पिक्चर और ये हुसैन की पिक्चर, और ये हम दोनों की डाई हार्ड फैन। ये मिनाल की शादी वाले व्लॉग है ना भाई? हाँ, टाइटल तो यही लिखा है, मिनाल खान की शादी, क्योंकि हाफ व्लॉग हो चुका है। अब मिनाल खान की शादी का कुछ भी देखने को नहीं मिला। हाँ यार, फाइनली शी इज गोइंग। शादी का है फाइनली। मुंह दिखाई, मुंह दिखाई इधर ही हो गई। हाँ यार, लेबी बेबी है ना ये।
लेबा शाह। ऐमन खान मिनाल, हाँ ऐमन थी वो। एक कन्फ्यूजन हो जाता है दोनों में। ये भी एक्ट्रेस है जलन में थी। ज्यादा शूट नहीं किया है ना शादी में, फोटोज ही है ज्यादा। तो गाइस ये था रबीका का ब्लॉग मिनाल खान की शादी पर, और ज़्यादा इन्होंने शूट नहीं किया मुझे लगता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार बहुत कुछ देखने को मिलेगा, मिनाल खान से कुछ बातचीत होगी रबीका की, वो सब एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। हो सकता है यार वो सब बिजी भी रहते ना, बिजी रहे शादी में, बिजी रहे उससे अपने ब्लॉग में लेना, उनसे बात बात करना तो अजीब लगता है बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से रबीका ने कहीं ना कहीं उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखा होगा इस तरह से, ऐसा कुछ हुआ। मेरे को भी यही लगा था कि यार शादी का पूरा ब्लॉग शादी पर ही रहेगा, बाकी आधा ब्लॉग तो उनका पार्लर में ख़त्म हो गया था, उसके बाद आधा उन्होंने शादी का बताया है, वो भी शादी के थोड़े कुछ पिक्स बताए हैं और थोड़ी बहुत उन्होंने उनकी सेल्फ की वीडियो वगैरह ली हुई है वो बताई है। तो वही रीज़न है कि प्राइवेसी ऐसा कुछ रहा होगा, या फिर पहली बार वो किसी सेलिब्रिटी की शादी में गई, उनको पता नहीं होगा कैसे क्या करना है, क्योंकि वो मुझे लगता है अकेले ही गई थी, क्योंकि वो दिखा नहीं और कोई उनके साथ, उनके फ्रेंड्स वगैरह। हाँ वो अकेले ही थी, ऑल अलोन, एंड अकेले में ऐसे व्लॉग करना, शादी में जाना, तो फिर वो अजीब लगता है थोड़ा, तो यही रीज़न रहा होगा। बट हाँ अच्छा लगा। वैसे हमने मिनाल खान की वेडिंग के कंप्लीट वीडियो पर रिएक्शन किया है एम्ब्रोज रिएक्शंस पर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।